हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ उलांजी की तरफ से एक ट्राइपोड आता है, या फिर गोरिल्ला पोड बोलो इसको। तो ये बहुत बेहतरीन है बजट के अंदर में, क्योंकि इसी के फीचर के तरह ही या बहुत सारे महंगे ट्राइपोड या फिर गोरिल्ला पोड आते हैं, जो कि मार्केट में यहाँ पर जो भी वगैरह बहुत सारे ऐसे ब्रांड है, तो वो दोस्तों यहाँ पर 5,000-10,000 ऐसे करके आते हैं। तो यहाँ पर ये दोस्तों बजट के अंदर में आता है और बहुत बेहतरीन है। तो इसको लेने का पर्पस क्या है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर दोस्तों आपको एडिशनल खर्चा या फिर हिडन चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। तो सारे चीज़ें आज के इस वीडियो में रहेंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका मॉडल नंबर, तो इसका हम अनबॉक्स करेंगे। और इसको दोस्तों आप बहुत इजीली, बहुत आसान तरीके से यहाँ पर कैमरा हो गया या फिर यहाँ पर मोबाइल या फिर गोप्रो सब में यूज़ कर सकते हो बहुत आसानी से। चाहे तो एक्सटर्नल यहाँ पर फ्लैश वगैरह ये भी इसमें यूज़ कर सकते हो, माइक वगैरह भी। तो इसमें होल्डर दिया गया है, तो चलिए देखते हैं इसका हम अनबॉक्स करके। तो गाइज, यहाँ पर ये उलांजी का प्रोडक्ट है, जो कि यहाँ पर इस तरीके के बॉक्स में आता है। काफ़ी मतलब अच्छा है, अमेज़ॉन में आपको काफ़ी सेफ्टी के साथ में मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ब्लैक में पूरा और रेड में यहाँ पर आपको थीम मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर ऊपर में इसका लोगो मिल जाता है, देन फ्लेक्सिबल ट्राइपोड लिखा है, उसके बाद ये यहाँ पर आपको इसका जो है पिक मिल जाता है, और नीचे की ओर यहाँ पर इसका जो है MT11 मॉडल नंबर। साइड व्यू की बात करें तो ये उलांजी का ब्रांड मिलता है। देन और साइड करते हैं तो यहाँ पर एक पिक्चर है, जो कि यहाँ पर आईफोन के साथ, और यहाँ पर ये माइक अटैच्ड है। नीचे में यहाँ पर आपको कुछ QR कोड देखने को मिल जा रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी सारे डिटेल्स हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ये रेड कलर का बैकग्राउंड, और यहाँ पर देख सकते हो व्लॉग नाउ विथ उलांजी। तो ये स्पेशली व्लॉगर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो इसको आप यूज़ में ले सकते हैं। इधर की ओर भी उलांजी और इधर की ओर ब्लैक। तो चलिए हम इसको अनबॉक्स करते हैं। इसको मैंने पहले ही अनबॉक्स कर रखा है, और इसको मैंने जनवरी में परचेस किया था, तो सोच सकते हो कि 4 महीने हो चुके हैं इसको। तो यहाँ पर मैं चलिए इसको यहाँ पर निकाल लेता हूँ, और क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। तो गाइज, इसमें दो ही चीज़ें निकली यहाँ पर देख सकते हो। पहला तो ये मैनुअल है, जिसकी ज़रूरत कभी भी पड़ती नहीं है, तो इसको हम करते हैं साइड में। उसके बाद जो फाइनल जो चीज़ है वो यहाँ पर हमारे पास गोरिल्ला पोड है, यानी कि ट्राइपोड। काफ़ी सारे लोग इसको गोरिल्ला पोड, ट्राइपोड या फिर स्टैंड, मतलब जो भी नाम से बोलो, काम तो एक ही करेगा, मोबाइल को होल्ड करने का, कैमरा को होल्ड करने का। तो क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रबड़ का है दोस्तों, काफ़ी सही है। और इसका जो मेन लेने का पर्पज़ ये था कि जो गोल गोल आता है ना यहाँ पर, आपको यहाँ पर देख सकते हो इस लेग में, तो वो यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने एकदम सिंपल और यहाँ पर ग्रिप वाला लिया। तो ये रबड़ का है, प्लस ये यहाँ पर ये मुड़ जाता है, जैसे चाहो यहाँ पर मुड़ सकता है। तो ये बहुत मतलब यूज़ में लगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ फंक्शन बता देता हूँ। ये आपको लगभग 1 फीट का होगा, 1 फीट पूरा बन जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से। इसको मैं भी अच्छे से यूज़ नहीं किया हूँ, ठीक है। तो ये आपका 360 डिग्री बॉल भी दे देता है, तो इसको हम ढीला कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से रोटेट हो जाता है, तो मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूँ। तो लोग वीडियो क्यों देखते हैं, कि क्वालिटी देखने के लिए। तो इसमें आपको क्वालिटी अच्छे से पता चल रही होगी। और इसमें दोस्तों बबल भी दिया गया है, देख सकते हो, तो इसकी मदद से आप इसको अलाइन कर सकते हो। अगर आप एक जगह, जैसे कि इस तरीके से आप खड़ा करके, जैसे कि मैं इस तरीके से खड़ा करके इसको करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से, तो इसका जो है अलाइनमेंट सेट कर सकते हो कि किस तरीके से हमको करना है। अगर आपके पास बड़ा ट्राइपॉड नहीं है, तो उस टाइम पे के लिए ये वाला जो ट्राइपॉड है यूनिवर्सल काम करेगा, क्योंकि ये हाथ से भी आप कर सकते हो, और यहाँ पर इसको स्टूल या फिर टेबल में रख के इस तरीके से अपना जो है कैमरा या फिर मोबाइल रख के कर सकते हो। तो देख सकते हो कितना मतलब एकदम इजी है। इसको मैंने ढीला कर दिया है, काफ़ी मतलब स्मूथ है, ऐसा नहीं कि अटक रहा है, कट कट करके आवाज़ आ रहा है। अब जैसे मैं इसको टाइट करता हूँ, ठीक है, ये ढीला हो रहा है, तो जैसे मैं इसको टाइट करता हूँ थोड़ा, तो यहाँ पर ये थोड़ा हार्ड हो गया। पूरा टाइट कर दूंगा तो एक जगह ये फ्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये फ्रीज़ हो गया है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर उलांजी का ब्रांड मिल जाता है, नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं मोबाइल को यहाँ पर लगा के भी बताऊंगा, और मैंने आपको बता रहा था कि यहाँ पर फ्लैश या फिर एक्स्ट्रा माइक वगैरह के लिए यहाँ पर ये माउंट दिया गया है, जिसमें दोस्तों आप अलग से यहाँ पर लगा सकते, तो बहुत सही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर MT11 लिखा हुआ है, और यहाँ पर रेड का यहाँ पर स्ट्रिप मिल जाता है, जो कि काफ़ी लुक में इसको इन्हेंस करता है। अब दोस्तों मेन चीज़ है यहाँ पर इसका हिडन मतलब कि हिडन मोबाइल होल्डर। तो बहुत सारे ऐसे हैं, देखो आपको यहाँ पर इसमें निकालना नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पर पूरा होल्डर को आप मोबाइल में यहाँ पर जस्ट लगाएंगे, उसके बाद ही यहाँ पर जैसे कैमरा तो यहाँ पर लग जाएगा, लेकिन मोबाइल के लिए ये हिडन है। मैं आपको बताऊँगा क्या कैसे करना है। कैमरा को जस्ट इसमें लगाएंगे, उसके बाद इसको यहाँ पर नीचे का डायलर जो है इसको आप घुमाएंगे, तो वो ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा, आपको पूरा निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि नॉर्मल
हम ट्राइपॉड वगैरह में करते हैं, तो इससे मैं काफ़ी परेशान हो चुका था। तो गाइज अब हम बात करते हैं कि इसका हिडन जो है उसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है इसको आपको खींचना है, ठीक है। जैसे ही हम खींचते हैं ये बाहर की ओर आ जाएगा, उसके बाद इधर ऊपर की ओर टांग देना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा जो मोबाइल होल्डर आ गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी सही है, अब देखते हैं कि कितना मतलब अच्छा टाइट तो है, मतलब मोबाइल आपका गिरेगा नहीं, इस तरीके से है तो काफ़ी है, अच्छा है। अब चलो दोस्तों मैं अपना मोबाइल है जो इसमें लगा के दिखाता हूँ, तो इस तरीके से आप लगाएंगे किस तरीके से वो चलिए मैं आपको मोबाइल अपना लगा के बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मोबाइल यहाँ पर फिट हो चुका है। मेरे पास है वन प्लस नॉर्ड जो कि यहाँ पर टॉप वेरिएंट है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आप जो भी मोबाइल लो तो उसका स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि स्टोरेज आप उसमें फुल भर सको, क्योंकि यहाँ पर व्लॉग करोगे वीडियो बनाओगे तो फुल होते जाएगा, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने टॉप वेरिएंट लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो मैं मोबाइल को इतना हिला रहा हूँ, ठीक है। अब मोबाइल टूटेगा तो यहाँ पर 30,000 का चूना लगेगा, फिर भी यहाँ पर हम ट्राई कर लेते हैं, इसको और ट्राई कर देता हूँ। अब ये पूरा लॉक हो चुका है, ठीक है। अब देख सकते हो कि मैं ऊपर नीचे जो भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आप इसको इस तरीके से अब किसी को इसमें दे सकते हो, यानी कि मार सकते हो, तो इतना मजबूत है। तो यहाँ पर देख सकते हो अब इसको इस तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ सैंपल कि आप किस किस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक माइक भी है, ठीक है, माइक को भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर देख सकते हो आपको मिल जा रहा है ये चीज़ें, जिसको आप अलग से निकाल सकते हो, उसकी जगह पे आप कोई और यहाँ पर माउंट वगैरह करना चाहते हो तो इसमें आप लगा सकते हो। ये वाला जो माउंट है यहाँ पर आप देख सकते हो ये निकल जाता है, ठीक है, निकालूंगा नहीं लेकिन मैं। और उसके बाद ये दूसरा माउंट है इधर की ओर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो लंबा बनेगा बस बहुत बेहतरीन बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम एक और माइक को लगा लेते हैं जो कि रॉड माइक होता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरे पास एक रॉड माइक है जिसे हम कंडेंसर माइक भी बोलते हैं। तो इसको लगाने के लिए सिंपल सा क्या करना है, ये हमारे पास एक खांचा दिया होता है, ठीक है, इसको ढीला कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा, इसको DSLR में भी यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो ये वाला खांचा दिया है, तो मैं पूरा व्लॉगिंग सेटअप में आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर इसको यहाँ पर जस्ट इधर की ओर यहाँ पर घुसा देना है, मेरे को तो देखते नहीं बन रहा है, ठीक है, ये हमने घुसा दिया और इसको हम टाइट कर लेते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग टाइट कर लीजिए ताकि गिरे ना। तो ये हमने पूरा टाइट कर लिया, और हमारे पास तो वन प्लस के इसमें तो हमारे पास ये नहीं है कि हम कैसे करेंगे। उसके लिए दोस्तों मैं एक अडेप्टर यूज़ करता हूँ, आपके केस में अडेप्टर यूज़ नहीं करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर आपके में 3.5 mm जैक दिया है तब की बात है। तो ये हमारा रेड और यहाँ पर ब्लैक का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया है। तो इस तरीके से आपका ब्लॉगिंग सेटअप हो जाएगा, और अगर आप स्टूल वगैरह में जैसे कि फ्रंट में बैठ के वीडियो बनाना चाहते हो तो इस तरीके के माइक के साथ और यहाँ पर इसको यूज़ में ले सकते हो। देख सकते हो आपको लग रहा होगा कि ये मोबाइल मैंने तिरछा क्यों रखा है इस तरफ, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मेरा वॉल्यूम अप एंड डाउन का यहाँ पर बटन दिया गया है, क्योंकि इसको मैं लगाऊंगा सेंटर में तो वहाँ पर वो दब जाएगा, इसीलिए मैंने इसको साइड में कर रहा है। बस ये थोड़ा सा हैवी मुझे लग रहा है, हाथ तो दर्द करेगा बट इतना नहीं है, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से आप यहाँ पर अपना जो ब्लॉगिंग है वो कर सकते हो, इसको इतने ऊपर भी उठा सकते हो, लेकिन वॉइस है वो तगड़ा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें यूज़ में ले सकते हो। तो दोस्तों नीचे मुझे आप कमेंट करके बताओ कि ये वाला जो ट्राइपॉड है ये कैसा लगा और ये आपके बजट के अंदर आता है या नहीं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वाला जो वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारे मन में जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे उलांजे के इस ट्राइपॉड के बारे में, कि आपको किस टाइप का ट्राइपॉड लेना चाहिए, या फिर दोस्तों आपका जो बजट है वो 500 या फिर 700 के अंदर में है तो हमको उसी के डबल अमाउंट देकर और लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप 500-700 रुपए और इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पर ये बेस्ट वन मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर 500-700 रुपए में जो मिलता है वो दोस्तों यहाँ पर लोकल होता है, जो कि एक टाइम के बाद में वो टूट जाता है या फिर ख़राब हो जाता है। तो होपफुली कि ये वीडियो आपको पसंद आया, और इसको दोस्तों यहाँ पर इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो यहाँ पर 1400 से 1700 के बीच में यहाँ पर फ्लक्चुएट करते रहता है, डिपेंड कि ऑफ़र क्या चल रहा है। और इससे सस्ते में काफ़ी सारे यहाँ पर 900 1000 ऐसे करके बहुत सारे ऐसे उलांजी के नाम से ऐसे बिके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर दोस्तों आप ऑर्डर करेंगे तो वहाँ पर वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट होता है, तो इससे आप बच कर रहिए। और नीचे में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से जाके यहाँ पर कंफर्म कीजिए, या फिर यहाँ पर उलांजी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों इसको मैंने ख़रीदा है 1400 रुपये में, तो उस टाइम पर मेरा ऑफ़र चल रहा था तो यहाँ पर मैंने उसको इतने कम प्राइस में ख़रीद लिया।
तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी तरीके के ऑसम गैजेट्स आने वाले और व्लॉग चैनल भी बनने वाला है, तो यहाँ पर दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।